सो हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और यार अब एग्जाम बहुत पास है और ज़रूरी है कि हम एकदम क्रिस्प कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये कि 7th में एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को हम क्रैक कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चलता है कि हर एक चैप्टर से कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के एब्सोल्यूट फेवरेट है, यानी कि वहां से बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आप सब जानते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इनका ज्योमेट्री क्या होगा, और उस सब का आंसर छिपा होता है कहां पर, हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो यार मैंने डिसाइड किया है कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ ऐसा डेली ये चैनल पर हम आपके साथ वीडियो शेयर करें, जहां पर विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम इस तरह से कवर कर लें कि वहां से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाएं। और वो टॉपिक्स कोई रैंडम टॉपिक्स ना हो, बल्कि दी सिलेक्टेड वंस जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ आई हैव नेम्ड दिस सीरीज लॉक 4 मार्क्स इन 10 मिनट्स। आप जरूर बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है that this will help you? I really believe कि ऐसे सेशन से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपके पास दिन भर में टाइम बचता है, like before going to the bed, या फिर जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप एक 10 मिनट्स का वीडियो देखिए और वहां से जस्ट इमेजिन कि आप 4 मार्क्स तक लॉक कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यस मैम, ऐसे सेशंस ये चैनल पर हमें डेली मिलने चाहिए, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट यस मैम, वी वुड वांट सच वीडियोस एवरी डे, सो दैट आकांक्षा हमको ये समझ आ जाए कि हाँ जी आपकी हेल्प हो रही है और इस तरीके से आई कैन वर्क मोर ऑन सच वीडियोस। इसी के साथ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। और आज के इस पहले सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं आपका टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आप ये जानते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर आ जाए तो फिर आसानी से आप बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। और हमारे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक कि कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर उसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यार उसके लिए हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, कि हमने क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है उसके हम सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, आपको क्या करना है, उसको 8 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वोशिएंट का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वोशिएंट निकल कर आ जाता है। और सिमिलरली हो सकता है कि डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई रिमाइंडर भी आ रहा है। अब ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर क्वोशिएंट की जो भी वैल्यू आ रही है, क्वोशिएंट की जो भी वैल्यू आ रही है यार, वो आपके क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स है। यानी कि ये क्वोशिएंट की वैल्यू आपको बता रही है कि आपके उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। इसी तरह रिमाइंडर को, यार ये रिमाइंडर ध्यान रखना है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है बाय 2, और रिमाइंडर को बाय 2 डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकल कर आ जाते हैं। तो जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको 2 से डिवाइड करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स हैं। और फिर हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए, आप बता पाएंगे कि आपके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स, और यहाँ से आपको पता चल जाता है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यार हमारे पास इस तरह हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 आ रहा है, दैट मीन्स आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्योंकि देखिए sp में भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, राइट। वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है s एंड p, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp। सिमिलरली अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 3 निकल कर आ रहा है तो sp2, फिर इसके बाद sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3 so on। that means यहाँ पर अगर आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करते हैं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ जाती है, और फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल कर देखते हैं, पर उससे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आइटम गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आइटम आ जाता है तो हमेशा ही आपको हाइड्रोजन आइटम के लिए फॉर हाइड्रोजन आटम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, फॉर हाइड्रोजन आटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने 7 कंसिडर करने। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक। वैलेंस क्या, हाइड्रोजन के पास तो यार इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। पर ये आपकी ट्रिक तभी वैलिड है जब आप हाइड्रोजन के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर रहे हैं, 7। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस बनता है, जैसे यार वाटर के पास आते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन वाले केस को ही फिनिश कर लेते हैं। तो वाटर ये जो आपका मॉलिक्यूल है, मेरे को बताइए इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि आपको हाइड्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने, और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो 7 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 20 निकल कर आते हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाय 8 तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपका क्वोशेंट आ गया है 2, यानी कि इतने तो आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, और यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है। रिमाइंडर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या जाता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू 2 + 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर विच इज इक्वल टू 4। और 4 कब आता है, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है, sp3 रहने वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास BF3 है, बोरॉन यहाँ पर जो एटम है उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसके बाद फ्लोरीन आपका ग्रुप 17 से है, तो यार ग्रुप 17 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। 3 फ्लोरीन एटम क्योंकि यहाँ पर आपके पास है तो 7 × 3 कितना आएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी, यहाँ पर आपका क्वोशेंट आने वाला है 3 और रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर हैं। दैट सिंपली मींस कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने जा रहा है, 3 + 0 विच इज इक्वल टू 3R। और फिर हमारे पास 3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 आता है ना। 3 के लिए द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। यार इसके बाद SF4 और अमोनिया, इन दोनों के लिए आपका करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है, आप जरूर मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। So I'll be waiting for the correct answers in the comment section। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5 to 7 minutes के वीडियो के हेल्प से आप सबको हाइब्रिडाइजेशन का डाउट आपका अगर था तो क्लियर हो गया। एट द सेम टाइम अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि यार उसमें कितना लोन पेयर है कितना बॉन्ड पेयर है, तो ये ट्रिक के हेल्प से आप आसानी से बता पाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या आप चाहते हैं हर दिन आपको एक ऐसा वीडियो मिल जाए। और सोचिए अगर हर दिन मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करती हूं तो एग्जाम तक कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कितना क्विक कवर कर लेंगे, आपका सॉर्ट ऑफ क्विक रिवीजन हो जाएगा ऐसे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। थैंक यू वेरी मच, सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। गुड लक एंड टेक केयर।